Hello student, good morning. Today in this video we will discuss class 8 mathematics and our chapter name is square and square roots, cube and cube roots. Today in this video we will discuss only square and square roots. Look here. What is square? What is square of a number? Square means ए नंबर इज दैट रेज्ड टू द पावर टू. किसी भी नंबर्स के अगर पावर टू लिखा गया है, लुक हियर, एक्स टू द पावर टू, वाई टू द पावर टू, एम टू द पावर टू, इट मीन्स एक्स स्क्वायर. दैट इज रीड एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एम स्क्वायर. इट मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स मल्टीप्लाई एक्स. हाउ मेनी टाइम्स? टू टाइम्स. एक्स का एक्स के साथ ही मल्टीप्लीकेशन टू टाइम्स करते हैं. y square means y multiply into y. m square means m multiply into m. How many times? Two times. m ने m का multiplication करे. m multiply by m. How many times? Two times. Then it is called m square. y multiply by y two times. We say that y square. x multiply x two times. It's called x square. Understand? Similarly, any number 2 square, 2 to the power 2, this means multiplication of 2 with 2, how many times? 2 times. 2 multiplied by 2 equal 4. 3 square, square of 3, it means square of 3 means 3 multiplied 3. How many times? 2 times. We get here 9. Understand? What is cube and cube roots? Cube. If any number multiply each other 3 times, that is called cubes. Look here. X cube means multiplication of x with x. How many times? 3 times. X multiply by x 3 times, that is known as x cube. Y cube means multiplication of y with y. How many times? 3 times. That is y cube. Okay? Look here. There are one difference. What is? 3x. 3x means 3 into x. X to the power 3. X to the power 3 means ये नहीं कि आप x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे. X to the power 3 means x में 3 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है. It means मल्टीप्लीकेशन ऑफ x टू x. How many times? 3 times. X में x का ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे. How many times? 3 times. That is known x cube. Clearly, similarly, any number 2 to the cube, 2 to the power cube, 3, 2 to the power 3 means multiplication of 2 with 2, how many times? 3 times is known as cube of 2. Okay? Its value is 2 to the 4, 4 to the 8. Cube of 3 means 3 to the power 3. Cube means होता है उसी नंबर में 3 times multiplication. And square means उसी नंबर में 2 times. जो भी नंबर आप consider करेंगे उस नंबर का अगर उसी नंबर में 2 times multiply कर रहे हैं तो that is called square of that number. And जब कोई आपने नंबर कंसीडर किया जब उसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्यूब्स. क्लियरली 3 क्यूब मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3. हाउ मेनी टाइम्स? 3. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. क्लियर? लुक हियर.
स्क्वायर ऑफ वन, स्क्वायर ऑफ वन इज वन मल्टीप्लाई बाई वन, वी गेट वन. स्क्वायर ऑफ टू इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई टू, वी गेट फोर. स्क्वायर ऑफ थ्री मीन्स थ्री मल्टीप्लाई थ्री, वी गेट नाइन. स्क्वायर ऑफ फोर मीन्स फोर मल्टीप्लाई बाई फोर, वी गेट सिक्सटीन. स्क्वायर ऑफ फाइव मीन्स फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव, वी गेट ट्वेंटी फाइव. स्क्वायर ऑफ सिक्स इक्वल सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स, वी गेट थर्टी सिक्स. स्क्वायर ऑफ सेवन मीन्स मल्टीप्लाई बाई सेवन, वी गेट फोर्टी नाइन. स्क्वायर ऑफ एट मीन्स एट मल्टीप्लाई बाई एट, वी गेट सिक्सटी फोर. स्क्वायर ऑफ नाइन मीन्स नाइन मल्टीप्लाई बाई नाइन, वी गेट एट्टी वन. स्क्वायर ऑफ टेन इक्वल टेन मल्टीप्लाई बाई टेन, वी गेट हंड्रेड. लुक हियर, दैट नंबर इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर. स्क्वायर ऑफ वन इज वन, स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, स्क्वायर ऑफ थ्री इज नाइन, स्क्वायर ऑफ फोर इज सिक्सटीन. ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स की स्क्वायर करने पर हमें मिला है. ओके, इस नंबर की स्क्वायर, ये नंबर कहे जाते हैं. तो ये नंबर जो होते हैं, इस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. दैट्स नंबर वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर एट्टी वन हंड्रेड एस वन. इसी तरह जो भी नंबर हमें मिलते हैं, इस नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहे जाते हैं. परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ये होता है, जब हमें इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे. स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. देखिए, इस नंबर का हमने स्क्वायर किया तो हमें ये नंबर मिला, स्क्वायर करने पर हमें मिला. लेकिन अगर इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है स्क्वायर रूट? किया स्क्वायर रूट फोर. अब फोर का अगर स्क्वायर निकालने के लिए क्या जाए, कहा जाए, तो इसको हम लोग, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है. इस नंबर को हम लोग इसमें पुट अप करेंगे, राइट करेंगे, इसमें लिखेंगे फोर, अंडर रूट फोर. इसको रीड क्या करेंगे? अंडर रूट फोर, स्क्वायर रूट फोर. ये अब यहां पर अंडर रूट फोर ये वैल्यू लिखी गई है, इसको हम लोग रीड करेंगे अंडर रूट. ये अंडर रूट का सिंबल होता है अंडर रूट फोर. अब इसे हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है. जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसका सिंबल, स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है इस तरह से, इसमें पहले उस नंबर को राइट करेंगे क्लियरली. अब इसकी बात यहां पे इसका फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टर फोर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. फोर को हम लोग प्राइम कर सकते हैं क्या? टू इंटू टू, टू इंटू टू. अब यहां से क्या करते हैं, सेम नंबर का, सेम नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो यहां से ग्रुपिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं. देखिए यहां पे टू इंटू टू, टू टू का पेयर है, तो इस पेयर में से एक नंबर हम लोग बाहर निकालते हैं और रूट का सिंबल हम लोग हटा देते हैं. यहां पे जो रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट का जो सिंबल है, उसका रूट का सिंबल हम लोग रिमूव कर देंगे. और यहां से जो एक पेयर बना है, टू इंटू टू पेयर में है, तो यहां से एक नंबर हम लोग बाहर निकाल लेंगे. यानी इसका जब स्क्वायर रूट, फोर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपको क्या फाइंड होगा? टू. क्लियरली, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी दिए गए नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले हम लोग उसको अंडर रूट में राइट करेंगे. फिर उसके बाद फोर का फैक्टराइजेशन करेंगे, टू इंटू टू अंडर रूट में. अब यहां से पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद हम लोग एक नंबर को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं. और यहां से स्क्वायर रूट, जैसे ये पेयर में से एक नंबर जब बाहर निकालेंगे तो ये रूट का जो सिंबल होता है ये रिमूव कर देंगे, हटा देते हैं. और ये जो नंबर हमें मिला, ये इसका स्क्वायर, फोर का स्क्वायर रूट मिला. तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वही नंबर होते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट जब निकाले तो हमें एक नेचुरल नंबर, हमें एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो. जब उसका स्क्वायर रूट निकालिए निकालेंगे तो एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो, तो दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. जैसे ये नंबर है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा आपका? एक कंप्लीट, एक नेचुरल नंबर हमें प्राप्त होगा. अंडरस्टैंड? तो ये आपके जो नंबर्स होंगे
या इस तरह से और भी नंबर जो आपको मिलेंगे दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लुक हियर, वन स्क्वायर रूट वन इट कैन बी रिटेन वन इंटू वन वी गेट पेयर। अब यहां से पेयर बनाया हमने रूट पे सिंबल हटाएंगे और पेयर पे से एक नंबर हम लोग बाहर निकाले। लुक हियर सिमिलरली फोर अंडर रूट यू कैन राइट टू इंटू टू वी गेट पेयर बनाएंगे टू इन अंडर रूट नाइन इट कैन बी रिटेन थ्री इंटू थ्री पेयर में बनाया इसमें से एक नंबर हम लोग बाहर और ये रूट का सिंबल रिमूव करेंगे। थ्री अंडर रूट सिक्सटीन इट कैन बी रिटेन फोर इंटू फोर इट ऑल्सो कैन बी रिटेन एज टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। लुक हियर वन पेयर ऑफ टू हियर अनदर पेयर ऑफ टू दो पेयर मिले यहां से हम लोग एक टू एंड अनदर टू पेयर मिले रूट का सिंबल लगाएंगे टू या फोर या यहां से भी फोर का पेयर था एक नंबर आपको रिमूव करते आपको फोर अंडर रूट ट्वेंटी फाइव रूट में फाइव इंटू फाइव पेयर फाइव का पेयर रूट का सिंबल रिमूव होगा यहां पे फाइव। सिमिलरली इसी तरह हम लोग किसी भी नंबर का ये दिए गए नंबर्स का हम लोग स्क्वायर किसी भी दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट देखिए ये जो नंबर है उनका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें कंप्लीट नंबर मिल रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरह से मिल तो ये नंबर कहे जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अभी हम लोग जैसे स्क्वायर अगर आपको एट का स्क्वायर रूट निकालना हो टेन का स्क्वायर रूट निकालना हो आपको तो टेन का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग अब इसका पेयर नहीं बन पाएगा इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग रूट में टू इंटू फाइव लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा इसलिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियरली ओके मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर किसी दिए गए नंबर का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर किसी भी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड लॉन्ग डिवीजन मेथड दो तरह से हम लोग किसी भी दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक तो हम लोग दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और दूसरा हम लोग उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग किसी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। लुक हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर ए नंबर 1000 1764 हमें ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग जो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा निकालने के किसी भी नंबर से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा आपका एक नेचुरल नंबर प्राप्त होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह से कोई ना कोई नेचुरल नंबर लेकिन अदर नंबर जैसे अभी अंदर हमने टेन तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे लेकिन ये वैल्यू आपकी डेसिमल में आएगी
इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी डेसिमल में आएगी। क्लियर, स्क्वायर रूट इसका भी निकलेगा लेकिन ये वैल्यू आपकी डेसिमल में आएगी। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ने लिख दिया 1764 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस दिए गए नंबर को हम लोग स्क्वायर फॉर्म में ऐड करेंगे 1764। अब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे 1764 लास्ट डिजिट को इट इज इक्वल टू टू डिवाइड 28। क्या हमेशा यहां क्वेश्चन लिखते हैं, यहां पे क्या ऐड करते हैं क्वेश्चन 28 16 वन रिमाइंडर 16 या 28 या 16 टू टू या 4 आल्सो डिविजिबल बाय 2 टू 4 या 8 टू 4 या 8 टू 1 या 2। अब यहां पर देखिए आपका ये आपका ऑड नंबर आ गया तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, हम लोग 3 से देखेंगे। हमेशा यहां पर फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इट मींस प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है आपका, यू नो अबाउट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एस ऑन, मतलब जब भी आप डिवाइड करेंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे हमेशा प्राइम नंबर से करेंगे। क्लियरली लुक हियर इट इज डिविजिबल बाय 3, 4, 4, 8, 1, 9 यस इट इज डिविजिबल, क्योंकि इसके डिजिट का सम क्या है 9 आ रहा है, 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 5 3 रिमेंस हियर 1, 14 3 4 12 रिमेंस 2, 21 3 7 21 इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 लुक हियर 3 4 12 2 रिमाइंडर 27 3 9 27 इट इज डिविजिबल बाय 7 वी गेट हियर 7 7 7 49 7 आल्सो डिविजिबल बाय 7 वी गेट 1। अंडर रूट में अब यहां पे हम लोग ये पूरा फैक्टराइजेशन राइट करेंगे। लुक हियर 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 राइट। फिर इसके बाद अब यहां पे हम लोग पेयर बनाएंगे सेम नंबर का, जो सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ है उसको पेयर बनाएंगे। देखिए 2 × 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई 1 पेयर, 3 × 3 सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 1 पेयर, 7 × 7 सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 1 पेयर। अब यहां से जब हमने पेयर यहां पे बना लिया तो पेयर यहां से स्क्वायर का सिंबल रिमूव करेंगे और एक एक पेयर यहां से मल्टीप्लीकेशन के रूप में हम लोग आउट बाहर निकालेंगे। यहां से 2 × 3 हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल करिएगा पुट करेंगे आप यहां से 7 2 × 3 × 7 मल्टीप्लीकेशन आप 2 × 3 × 7 स्क्वायर रूट का सिंबल रिमूव करेंगे। क्लियरली यहां पर हो जाएगा 2 × 3 = 6 6 × 7 = 42 इट इज आवर आंसर। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज 42। क्लियरली हाँ, किसी दिए गए नंबर का अगर स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सिमिलरली 21 स्क्वायर ऑफ 21 मींस 21 × 21 वी गेट 441। क्लियर 21 × 21 1 कैरी 2 रिमाइंडर 21 टू या 42 42 एड टू 44। क्लियर सिमिलरली किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकाल स्क्वायर ऑफ 14 40 × 14 वी गेट 196। सिमिलरली स्क्वायर किसी नंबर का निकालना होगा तो सेम उसी नंबर को उसी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स यहां पे स्क्वायर ऑफ 21 21 × 21 स्क्वायर ऑफ 41 सॉरी 14 14 × 14 वी गेट 196। क्लियरली
शुरू किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे आर गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर मीन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, 25 के आस में लेकिन 5 मल्टीप्लाई बाई 5, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 5। यहां से पेयर बनाया हमने, यहां से पेयर बनाया, इस पेयर में से एक नंबर हमने बाहर निकाला, यहां से पेयर में से एक नंबर, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। यहां पे एक बात आपको समझना है, जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, ऐसे यहां पे अगर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल 25 है, देन एक्स इक्वल, यहां से जब ये आपका एक्सपोनेंट जब एंटर साइड दूसरी साइड इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये यहां पे जाने के बाद ये हफा हमेशा अगर 2 है तो 1/2 दूसरी साइड। देखिए आपका ये इक्वेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म है, ये राइट हैंड साइड है। तो जब यहां से एक्सपोनेंट एक्स का एक्सपोनेंट जब हम लोग एंटर साइड दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हमेशा पावर यहां पे 2 है, तो यहां पे पावर हो जाकर 1, पावर में ही 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शन, मतलब ये है 2 का मतलब 2/1। तो इसको जब हम लोग उधर साइड ले जाएंगे एक्सपोनेंट को, तो वो पावर में ही, यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे इसको 25 पावर 2/1, यहां पे आपको यूज हो जाएगा 1/2। इट मीन्स एक्स इक्वल 25 क्या कह सकते हैं, 25 कैन बी रिटन 5 × 2 5, इट मीन्स 5 × 2 25 कैन बी रिटन 5 × 5 इक्वल 5 × 2 सो हियर 5 × 2 1/2 इट मीन्स एक्स इक्वल 5 × 2 1/2 2 ÷ 2 इट मीन्स एक्स इक्वल 5 × 1 इक्वल 5। यहां पे देखिए इस तरह से वैल्यू, इस तरह से वैल्यू दोनों सेम आ गए क्लियरली। तो अगर किसी भी नंबर की अगर पावर 1/2 है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर दिया गया है उसका पावर अगर 1/2 है, तो इस इट मीन्स उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लाइक 36 2 ÷ 1/2 इट कैन बी आल्सो रिटेन एज अंडर रूट 36 क्लियरली। 36 2 ÷ 1/2 किसी भी नंबर की अगर पावर 1/2 है, इस इट मीन्स इसका हमें उस दिए गए नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्लियरली। यहां पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, 36 कैन बी रिटन 6 × 2 into 1/2 इक्वल 6 × 2 into 1/2 2 ÷ 2 वी गेट 6 × 1 = 6 इट आल्सो कैन बी 36 6 × 6 पेयर करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, यहां पे सेम नंबर है, रूट का सिंबल रिमूव करेंगे, यहां से एक नंबर बाहर निकालेंगे, दोनों तरह से वैल्यू देखते हमारी सेम आ रही है क्लियरली। अगर किसी भी नंबर का एंडर लुक हियर x²³ मीन्स x²³ यहां दिया गया है 125 इट मीन्स एक्स वैल्यू ऑफ एक्स यहां पे 3 पावर दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा 125 पावर 1/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 2 ÷ 1/3 फैक्टराइजेशन ऑफ 125 5 × 5 × 5 इक्वल 5 × 3 देखिए 5 × 3 × 1/3 3 ÷ 3 we get 5 × 1 = 5 क्लियरली। इट मीन्स अगर किसी भी नंबर सिक्सटी फोर टू द पावर 1/3 यहां पे लिखा गया 64 2 ÷ 1/3 इट मीन्स 64 कैन बी रिटेन एज
इन द फॉर्म ऑफ 4 × 4 × 4 इक्वल 4 to the power 3। 64 को हम लोग राइट कर सकते हैं, 4 × 4 = 16, 64 × 64 इट कैन बी रिटन एज 4 to the power 3, 4 to the power 3 × 1/3, 3 divided by 3 वी गेट 1, 4 to the power 1/1 = 4। क्लियरली इट मीन्स अगर किसी भी नंबर्स के अगर पावर, किसी भी नंबर्स के पावर अगर आपका 1/3 है तो इट मीन्स उस दिए गए नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अगर किसी दिए गए नंबर की पावर अगर 1/3 है इट मीन्स उस दिए गए नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट में क्या करते हैं, जैसे आपका अगर यही क्यूब रूट का सिंबल ये होता है आपका 64 to the power 3, 64 to the power 3 इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 3। यहां से छोटा सा सिंबल, 3 का छोटा सा सिंबल, स्क्वायर रूट के सिंबल में यहां पे 3 राइट करते हैं। क्लियरली दैट इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट, दैट इज सिंबल ऑफ क्यूब रूट। 64 कैन बी रिटन एज 4 × 4 × 4 3 टाइम्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 × 4 × 4। यहां पे 3 की ग्रुपिंग, स्क्वायर रूट में हम लोग 2 की ग्रुपिंग करते थे, क्यूब रूट में हम लोग 3 की ग्रुपिंग करेंगे, और 3 की ग्रुपिंग करके एक हम लोग उसमें से एक नंबर को बाहर निकालेंगे। क्लियरली और यहां पे क्यूब रूट का सिंबल रिमूव कर देंगे, इट मीन्स इट वैल्यू इज 4। यहां पे 3 की ग्रुपिंग करेंगे, उसमें से एक नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट का सिंबल रिमूव करेंगे और यहाँ से एक नंबर हम लोग बाहर टेकन आउट बाहर निकालेंगे 4। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। क्लियरली और किसी भी दिए गए नंबर का क्यूब अगर फाइंड करना हो, क्यूब फाइंड करना हो, इट मीन्स 8, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, इट मीन्स 8 × 8 × 8 उस नंबर का उसी नंबर में हम लोग कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, 8 × 8 = 64, 64 × 8 8 × 4 = 32, 2 × 3 = 8, 8 × 3 = 48, and 3 = 51, 512। क्यों किसी भी दिए गए नंबर का अगर क्यूब निकालना हो तो उस नंबर का उसी नंबर में कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, 8 × 8 × 8 वी गेट 512। और क्यूब रूट अगर निकालना हो, क्यूब एंड क्यूब रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे उसका और 3 की ग्रुपिंग करेंगे, कितने की ग्रुपिंग करेंगे, 3 की ग्रुपिंग करेंगे और एक उस ग्रुपिंग में से एक नंबर हम लोग बाहर निकालेंगे, क्यूब रूट का सिंबल हम लोग रिमूव कर देंगे। क्लियरली परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे यहां पे लुक हियर, व्हाट इज द परफेक्ट क्यूब, व्हाट इज द परफेक्ट क्यूब, वन क्यूब मीन्स 1 × 1 × 1 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, वी गेट 1। 2 × 2 × 2 × 2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, वी गेट 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। क्यूब ऑफ 3, 3 × 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। 4 × 4 = 4, क्यूब ऑफ 4, 4 × 4 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। 5 × 5 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, वी गेट 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। दैट्स नंबर। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर क्यूब ऑफ अदर नंबर, दिस नंबर इज नोन एज परफेक्ट क्यूब, ये नंबर आपके परफेक्ट क्यूब कहे जाएंगे।
परफेक्ट क्यूब का जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें एक कंप्लीट एक नेचुरल नंबर प्राप्त होगा। परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं जिनका हम लोग जब क्यूब रूट आइडेंटिफाई करेंगे, जब उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा। दैट्स नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। क्लियरली इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन किस तरह से, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे स्क्वायर रूट, किसी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, थैंक्स।